श्री श्याम स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय का पाठ नंबर 2 जो कि पहला आपका तंत्र चल रहा था मानव पाचन तंत्र। तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे मानव के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, यानी भोजन के पाचन के लिए अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार से क्या होती हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन का पाचन। पिछले वीडियोस के अंदर हमने मानव पाचन तंत्र के सभी 7 अंगों और उन अंगों के उप अंगों के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने मानव पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ा था। तो एक एक चीज़ हमने आपको बहुत ही गहराई से समझाई थी। अब हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं भोजन का पाचन, यानी मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बता दूं कि अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व के लिए पोषक तत्व के पाचन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे भोजन का पाचन। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक यानी सिस्टम यांत्रिक व रासायनिक क्रियाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी भोजन का जो पाचन होता है, पाचन की जो क्रिया होती है वो कई यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि मानव पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न अंग पाए जाते हैं और ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो क्या स्त्रावित करती है, पाचक रस स्त्रावित करती है, और पाचक रस के बारे में आपको बताया था कह का मतलब करने वाला और क्या करने वाला, भोजन का पाचन करने वाला रस। उन पाचक रसों में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और इन पाचक रसों में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से वर्ग के होते हैं, हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। यानी ये पोषक तत्वों में से जल का अपघटन कर उसको क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर देते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है कि पाचक रसों में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन से वर्ग के होते हैं, तो बच्चों वो हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जो पोषक तत्वों में से जल का अपघटन करके उसको क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर देते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का कि आहार नाल के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों द्वारा क्या स्त्रावित किए जाते हैं, पाचक रस स्त्रावित किए जाते हैं, और इन पाचक रसों में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम या तो जिसका अनुलगन यानी जिसके बाद में क्या लगता है, एज, और या बेसिकली क्या लगता है, इन लगता है, वो एंजाइम हो गए। तो इन पाचक रसों में उपस्थित एंजाइम पोषक तत्वों का, पोषक तत्व आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन खनिज लवण आरी रेसे जल, ये हम पोषक तत्व हो गए जो पोषण के अंदर विद्यमान होते हैं। तो पोषक तत्वों का जल अपघटन कर उसको क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर देते हैं। और ये हमने आपको बताया कि ये जो एंजाइम होते हैं वो कौन से वर्ग के होते हैं, हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये पोषक तत्वों में से जल का अपघटन कर उसको क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर देते हैं, और पोषक तत्वों में जल का क्या कर देते हैं, अपघटन। हाइड्रोलाइसिस शब्द का मतलब है जल का क्या करना, अपघटन करना। तो जो पाचन के लिए एंजाइम उपयुक्त होते हैं वो कौन से वर्ग के होते हैं, हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। अभी हम आपके एक सारणी दी हुई है किताब के अंदर, उस सारणी के अंदर बहुत सारे पाचक रसों द्वारा स्त्रावित एंजाइम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग हिसाब से इस टॉपिक को करवाना चाहूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पाचन का कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम, पाचन कार्य करने में प्रमुख एंजाइम निम्न है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ये जटिल है, ये भी जटिल है, और ये भी क्या है, जटिल। ये तीनों मुख्य रूप से जटिल पोषक तत्व होते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले सामान्यतः एंजाइम कौन से हैं? एमाइलेज, दूसरा कौन सा माल्टेज, तीसरा कौन सा सुक्रेज। ये सामान्यतः किसका पाचन करने वाले हो गए? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले हो गए। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये कौन से एंजाइम हो गए? ये बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद में वसा का पाचन करने वाले वाला एकमात्र कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। उसके बाद में जो पोषक तत्व न्यूक्लियेजेस है उनका पाचन करने वाले एंजाइम न्यूक्लियोटाइटेज और न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस का पाचन करने वाले एंजाइम न्यूक्लियोटाइटेज और न्यूक्लियेजेस हो गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हम सबसे पहले आ जाते हैं मुख गुहा में पाचन। देखिए सबसे बड़ा जो तंत्र है मानव तंत्र में, सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र है, क्योंकि इसमें 7 अंग और 3 ग्रंथियां। देखिए अगर ये पूरा का पूरा हम पढ़ें तो कम से कम 13 से 14 पेजों का होएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसमें अंगों के अंदर भी पार्ट्स हैं, जैसे ग्रसनी के 3 पार्ट हमने पढ़े, अमाशय के 3 पार्ट पढ़े, 2 प्रकार की नल सवर्णी पेशियां उसमें पढ़ी, ग्रहणी के भी 3 भाग हमने पढ़े, छोटी आंत के भी 3 भाग पढ़े, बड़ी आंत के भी 3 भाग पढ़े। तो कहने का मतलब ये अंगों के अंदर भी अंग है। तो मानव पाचन तंत्र जो है वो सबसे बड़ा तंत्र है बच्चों। तो इसमें सीधा का सीधा क्वेश्चन नहीं आता, जिस प्रकार से बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चन कि मुख गुहा के अंदर और छोटी आंत के अंदर भोजन के पाचन को समझाइए, पूरा का पूरा पाचन नहीं आता, यानी अलग अलग अंगों के अंदर पाचन जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो सीधा क्वेश्चन नहीं आकर के क्वेश्चन को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। लेकिन जब हमारे दिमाग के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है तो जो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको बसरते अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले आपको मुख गुहा के अंदर पाचन को समझा रहे हैं। सबसे पहले मुख गुहा के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। फिर इसे दांतों की सहायता से क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। उसके बाद में लार के अंदर 2 प्रकार के भाग होते हैं। लार के अंदर एक तो सिरमी तरल होता है और एक कौन सा? श्लेष्मीय पदार्थ। तो सिरमी तरल तो क्या काम करेगा? भोजन को गीला करने का काम करता है। और बच्चों श्लेष्मीय भाग क्या काम करता है? भोजन को चिकना करने का काम करता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? लसलसा हो जाता है और उसको आगे धकेलने में क्या होता? सुगमता होती है, भोजन का पथ सुगम हो जाता है और उसको आगे धकेलने में सहायता मिलती है। तो लार के अंदर जो सिरमी तरल है वो तो भोजन को क्या करता है? गीला करता है। और श्लेष्मीय भाग क्या करता है? भोजन को चिकना बनाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? लसलसा हो जाता है और भोजन का पथ सुगम हो जाता है। ओके, और जिससे भोजन को आगे धकेलने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है बच्चों। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 1 नंबर के अंदर आने वाला था क्वेश्चन। लार के अंदर बच्चों टाइलिन एंजाइम, जिसको एमाइलेज भी बोल सकते हैं, तो एमिलेज भी बोल सकते हैं। तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा स्टार्च, यानी जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट, हमने आपको पहले भी बता दिया था। जब पौधे की पत्तियों के अंदर स्टार्च यानी मंड उपस्थित हो जाए तो पौधे ने अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। तो जिसके द्वारा स्टार्च यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन किया जाता है, यानी इसके अंदर जो जल होता है उसका क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। तो उसे फिर किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? स्टार्च को माल्टोज में। बच्चों माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, बट ये स्टार्च की अपेक्षा क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहां मुख गुहा के अंदर स्टार्च का 30% पाचन करके उसको किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? माल्टोज में। यानी मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का
आंशिक पाचन किया जाता है। इसको हम इस जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी समझ सकते हैं। मैंने आपको जब छठा पाठ करवाया था तो उसमें आपको हमने जैव रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जीवों के अंदर विशेष प्रकार के रासायनों के कारण संपन्न होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जीवों के अंदर पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोकेमिकल कैटालिस्ट, यानी जैव रासायनिक उत्प्रेरक, या बायो कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। और जीवों के अंदर उत्प्रेरक का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। तो जीवों के अंदर एंजाइमों को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। दो प्रकार के क्वेश्चन पार्ट 6 की बात करें हम, जैव रासायनिक अभिक्रिया जीवों के अंदर विशेष प्रकार के रासायनों के कारण संपन्न होने वाली अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। और जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? बायोकैटालिस्ट। जीवों के अंदर वे पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जैव उत्प्रेरक का कार्य कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं, यानी एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये भी रासायन है और ये भी क्या है? रासायन है। तो रासायनों के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारक से क्या बन गया? उत्पाद। और ये तीर का निशान बीच में आ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टार्च जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, टाइलिन जो लार के अंदर पाया जाता है, और जो जैव उत्प्रेरक का काम करता है बायो कैटालिस्ट का, और वो स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में। और ये सरल कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज स्टार्च की अपेक्षा। अगर हम स्टार्च की और माल्टोज की तुलना करें तो माल्टोज स्टार्च की अपेक्षा क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट है। यानी मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो जाता है बच्चों। तो ये आपको मैंने एक एक चीज लाइन टू लाइन आपको समझाई। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्लास के अंदर पढ़ाना और यहाँ पे पढ़ाना, अलग अलग चीजें होती है बच्चों। बहुत ज्यादा मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद में आपको ये उपलब्ध हो पाती है। तो कहने का मतलब आप लाइन टू लाइन इन चीजों को पढ़े बच्चों, ठीक है? अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो आपका पूर्ण रूप से, और आप रफ कॉपी लेकर के और उसको लिख लिख करके याद करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो अब है बच्चों ग्रास नली में पाचन। आपको मैं बता दूं ग्रास नली में किसी प्रकार का क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। ग्रास नली के बारे में आपको बताया ही था भी, जो ग्रसनी को और अमाशय को जोड़ने वाली 25 सेंटीमीटर लंबी और संकरी क्या होती है? नलिका होती है। यानी इसको क्या बोलते हैं? जो ग्रास यानी भोजन जाता है, भोजन को ग्रसनी से किसमें लेके जाती है? यानी मुख गुहा से ग्रसनी से होते हुए किसमें लेके आती है? अमाशय के अंदर। तो बच्चों ग्रास नली आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर संकरी भित्ति वाली क्या होती है? नलिका। तो ग्रास नली में पाचन मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होता हुआ। ग्रसनी आपको पता है मुख गुहा के अधर पृष्ठ पर क्या पाई जाती है? एक कुपिनुमा संरचना जिसको ग्रसनी कहते हैं, तीन भागों में, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आता है। किसमें आता है?
ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में किसी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, लेकिन इसकी आंतरिक भित्ति में क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां जो कौन से पदार्थ का श्रावण करती है, श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण करती है, और उस श्लेष्मीय पदार्थ के द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाता है, चीकना कर दिया जाता है, और इसकी कर्मानुकुंचन गति से कर्मानुकुंचन गति क्या होती है, फैलना और सिकुड़ना। जैसे यहां पे भोजन आकर के फंस जाता है तो अपन ऐसे करते हैं, तो ये कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन गति। जब हम कोई खाद्य पदार्थ का बड़ा टुकड़ा खा लेते हैं तो उसको आगे धकेलने के लिए जब कर्मानुकुंचन गति काम नहीं आती तो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, ताकि भोजन को आगे धकेला जा सके। तो इसकी कर्मानुकुंचन गति से क्या होता है, भोजन को आगे अमाशय में भेज दिया जाता है। तो ध्यान रखें, नोट करने वाली बात है कि अमाशय वो ग्रास नली के अंदर किसी भी पोषक तत्व का क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। ये वो अंग है पाचन तंत्र का जहां पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों अमाशय में पाचन। तो अमाशय आपको पता है एक पेशी अंग है बच्चों, जिसका आयतन 1 से 3 लीटर हमने आपको पहले बताया था, ये 1 से 3 लीटर तक आहार क्या कर सकता है, धारित कर सकता है। तो इसकी आंतरिक भित्ति में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो कौन से रस का श्रावण करती है, जठर रस का श्रावण करती है। हमने आपको 5वें पाठ के अंदर बताया था कि जठर रस का पीएच कितना होता है, 1.2, कितना होता है, 1.2। तो जठर रस क्या होता है, ये भी एक प्रकार का पाचक रस है बच्चों। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो कौन से रस का श्रावण करती है, जठर रस का श्रावण करती है। और जठर रस भी एक प्रकार का क्या है, पाचक रस है। और जठर रस के कौन कौन से घटक है बच्चों, सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये आया हुआ है कि हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। हमने आपको 5वें पाठ के अंदर बताया था कि उदर में पीएच का प्रभाव, तो हमारा उदर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, लेकिन जो सॉरी हमारा अम्ल सॉरी हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका घटक है, जठर रस का घटक है बच्चों, जठर रस के अंदर पाया जाता है। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है और ये पेट को हानि पहुंचाए बिना, ये पेट को हानि क्यों नहीं पहुंचाता वो मैं आपको बताऊंगा, श्लेष्मा के कारण नहीं पहुंचाता। तो ये सॉरी ये पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायता करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अपच की उपस्थिति में, जब खाया पिया नहीं पचता, अपच की उपस्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी यानी अम्लीयता। और इस अम्लीयता से बचने के लिए, इस अम्लीयता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ओल्टवाइस जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करने से पेट में दर्द व जलन से क्या मिलती है, राहत मिलती है और एसिडिटी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो किन्हीं 2 प्रतिअम्लीय औषधियों के नाम, एक तो बेकिंग सोडा NaHCO3 और दूसरा कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ओल्टवाइस, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक हमने आपको 5वें पाठ के अंदर करवाया था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा इसका घटक कौन सा होता है, श्लेष्मा, और तीसरा घटक होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, तीसरा घटक प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। तो हम बात करते हैं बच्चों HCl के कार्य, ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है, तो हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्सर्जित करता है। और एक बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य लिखिए, तो सबसे पहला इसका काम है, ये भोजन के साथ आए हानिकारक रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, भोजन के साथ आए हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करता है। नंबर 2, ये भोजन के कठोर भागों को पचाने में सहायता करता है। और नंबर 3,
ये भोजन चूंकि ये खुद अम्ल है तो भोजन के क्षारीय माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और नंबर चार, ये निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, अर्थात जो निष्क्रिय प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, ये निष्क्रिय डीएक्टिव, ये निष्क्रिय प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय करके उसको किसमें परिवर्तित कर देता है, पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। तो जब पेप्सिन निष्क्रिय अवस्था में होता है तो उसका नाम क्या होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। और उसको कौन सक्रिय कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सक्रिय रूप है उसका क्या नाम है, पेप्सिन। तो ये निष्क्रिय प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय करके उसको पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। और पेप्सिन के द्वारा किसका आंशिक पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। और प्रोटीन का आंशिक पाचन करके उसको किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, पेप्टाइड या अपन कह सकते हैं पेप्टोन के अंदर, पेप्टाइड या पेप्टोन के अंदर उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। ध्यान रखें बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन किसमें हुआ था, अमाशय के अंदर, सॉरी मुंह के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन मुंह के अंदर हुआ था, यानी स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर दिया गया, माल्टोज के अंदर। और पेट के अंदर किसका आंशिक पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, और उसको किसमें चेंज कर दिया जाता है, पेप्टाइड में। तो हम इन दोनों अभिक्रियाओं से, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से आपको बता रहे हैं कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय एंजाइम है, और तीर के ऊपर HCl लगाया, यानी ये HCl की उपस्थिति होती है इस कारण ये पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। तो पेप्सिन क्या है, सक्रिय एंजाइम। और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय एंजाइम। अब ये पेप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करके, यानी प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाता है, पेप्टाइड में। यानी प्रोटीन का जब आंशिक पाचन होता है पेट के अंदर तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, पेप्टाइड में। यानी प्रोटीन का आंशिक पाचन कहां पे होता है, पेट के अंदर होता है। और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। और पेप्सिन क्या है, सक्रिय है। और इसका निष्क्रिय रूप क्या है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है, वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये इसके चार काम हो गए, चारों काम आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नंबर एक, ये भोजन के साथ आए हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करता है। नंबर दो, ये भोजन के कठोर भागों को पचाने में सहायता करता है। नंबर तीन, ये भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि खुद है अम्ल, तो अम्ल में ही परिवर्तित करेगा, भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय बनाएगा। और नंबर चार, ये निष्क्रिय प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। और पेप्सिन क्या है, एक सक्रिय एंजाइम है। और पेप्सिन के द्वारा अमाशय के अंदर प्रोटीन का आंशिक पाचन करके उसको किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, पेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, HCl का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, अमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सेंटिक कोशिका के द्वारा होता है। HCl का निर्माण किसके द्वारा होगा, HCl का निर्माण अमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सेंटिक कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज है बच्चों, छोटे बच्चों के अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। छोटे बच्चों के अमाशय में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन, कौन सा, कैसिन। दूध में कौन सा एंजाइम, वो प्रोटीन होता है, कैसिन। तो रेनिन जो है छोटे बच्चों के अमाशय में पाया जाता है, और वो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन को किसमें परिवर्तित कर देता है, पैरा कैसिन में परिवर्तित कर देता है। तो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, छोटे बच्चों के अमाशय में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन को पैरा कैसिन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसको हम अभिक्रिया के द्वारा देखें, देखिए ये तो थ्योरेटिकल लाइन होती है और ये होती है अभिक्रिया के माध्यम से समझाना। तो ये लाल कपड़े का काम करती है, और जो आपने लाइन लिखी है ये सफेद कपड़े का, और लाल कपड़े की दृश्यता यानी विजिबिलिटी वो क्या होती है, ज्यादा होती है।
तो ये जो अभिक्रिया ये आपके लिए क्वेश्चन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो इस लाइन के साथ आप इसको अभिक्रिया से भी क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। तो मैंने आपको बताया कैसिन जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है उसको रेनिन नामक एंजाइम किसमें परिवर्तित कर देगा, पैरा कैसिन में परिवर्तित कर देगा। यानी कैसिन जटिल है, जटिल प्रोटीन, और पैरा कैसिन क्या है, सरलीकृत रूप है। ये काम कौन करता है, रेनिन नामक एंजाइम। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है, कैसिन होती है, और उसका जब आंशिक पाचन होता है छोटे बच्चों के अमाशय में रेनिन के द्वारा, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, पैरा कैसिन में। अब बच्चों बात आ गई कि आपको पता है अम्ल तो खतरनाक ही होते हैं, तो फिर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट को हानि क्यों नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो जटरस के अंदर पाया जाने वाला श्लेष्मीय पदार्थ है वो अमाशय की आंतरिक भित्ति की दीवारों पर चिपक जाता है। यानी ये सामान्य परिस्थितियों में HCl से हमारे पेट की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये सामान्य परिस्थितियों में HCl से हमारे पेट की सुरक्षा करता है कौन, श्लेष्मा। तो श्लेष्मा ये काम करेगा, HCl के काम आपको मैंने दो बार रिपीट करके बताई, और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो ये निष्क्रिय एंजाइम है HCl इसको सक्रिय कर देता है, फिर ये पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करके उसको पेप्टाइड यानी सरलीकृत फॉर्म में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, अमाशय में पाचन का। अगर ये टॉपिक आ जाए पूरा डिटेल से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब चौथे अंग यानी छोटी आंत में पाचन, किसमें पाचन पड़ेंगे, छोटी आंत के अंदर पाचन। तो अमाशय से आंशिक पचा हुआ भोजन, अमाशय से आंशिक पचा हुआ भोजन छोटी आंत के सबसे पहले और सबसे छोटे भाग ग्रहणी के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, ग्रहणी के अंदर। यानी अमाशय से आंशिक पचा हुआ भोजन छोटी आंत के सबसे पहले और सबसे छोटे भाग ग्रहणी के अंदर आता है, ओके। तो भोजन का ग्रहणी में ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ग्रहणी के अंदर भोजन का क्या होता है, सर्वाधिक पाचन होता है, और इसके लिए ये यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशी रस और आंत्र से आंत्रीय रस का स्त्रावण प्राप्त करता है। यानी ग्रहणी तीन प्रकार के रस का स्त्रावण प्राप्त करता है, यकृत से पित्तरस का, अग्नाशय से अग्नाशी रस का और आंत्र से आंत्रीय रस का। तो सर्वाधिक पाचन कैसे होएगा, कौन है पाचन में सहायक, ये तीन प्रकार के रस सहायक है। तो इसके लिए यकृत से पित्तरस कौन, ग्रहणी जो है वो यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशी रस और आंत्र से आंत्रीय रस का क्या करती है, स्त्रावण प्राप्त करती है। और इन पाचक रसों में, ये पाचक रस होते हैं पाचन में सहायता करने वाले रस, इन पाचक रसों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, और इन एंजाइमों की सहायता से भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कौन, पाचक रस, यानी पाचक रसों में पाए जाने वाले एंजाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि हम यकृत द्वारा पित्तरस की बात करें तो यकृत द्वारा पित्तरस का स्त्रावण किया जाता है, यकृत द्वारा किसका, पित्तरस का, यकृत द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, स्त्रावण का मतलब छोड़ना, यकृत द्वारा पित्तरस का स्त्रावण किया जाता है, और पित्तरस वसा का क्या करता है, पाचन करता है, पित्तरस वसा का क्या करता है, पाचन। तो देखिए यकर द्वारा पित्तरस से भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो पित्तरस लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, किसको सक्रिय करेगा, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करेगा, और मैंने आपको बताया वसा का पाचन करने वाला एक ही एंजाइम कौन सा, लाइपेज, जिससे वसा का पाचन होता है। तो पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, तो पित्तरस लाइपेज एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, और जो लाइपेज एंजाइम है उसके द्वारा किसका पाचन हो जाता है, वसा का, ओके। तो देखिए
पितरस में जो लाइपेज होता है वो ज्यादा प्रबल नहीं होता, तो वसा का आंशिक पाचन ही होता है। पितरस के द्वारा जो लाइपेज, पितरस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम होता है उससे वसा का क्या होता है, आंशिक पाचन। यानी इसको हम अगर अभिक्रिया से देखें तो वसा को लाइपेज नामक एंजाइम आंशिक पाचन करके वसीय अम्ल या पायसीकृत वसा में परिवर्तित कर देता है। यानी लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में जो वसा है वो किसमें, यानी वसा तो प्रबल पोषक होगी और उसका आंशिक पाचन होएगा तो वसीय अम्ल या पायसीकृत वसा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वसा का पायसीकरण या पायसीकृत वसा किसे कहते हैं? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना अर्थात वसा का आंशिक पाचन करना क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना अर्थात वसा का आंशिक पाचन करना क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण। तो पितरस द्वारा पाचन में इतना ही आपको बताना है, वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल और पायसीकृत वसा में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों अग्नाशी रस द्वारा पाचन। अग्नाशी रस जो अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है, और अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन के तौर पर तो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है, उसमें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है और लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर रुधिर के अंदर शर्करा के स्तर को बनाए रखते हैं। इंसुलिन तो रुधिर के अंदर ग्लूकोज की बड़ी हुई मात्रा को कम करके नियंत्रित करता है और ग्लूकागोन रुधिर के अंदर ग्लूकोज की कम हुई मात्रा को बढ़ाकर नियंत्रित करता है। यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों रुधिर के अंदर शर्करा यानी मिठेपन ग्लूकोज को बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को डायबिटीज या मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है, और इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किसकी सुरक्षा की जाती है, मधुमेह के रोगियों की सुरक्षा। ये हमने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया था। तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, यकृत पलिया और उससे ग्रहणी से घिरी होती है और अग्नाशी रस का स्रावण करती है और पीले कलर की होती है, उसको शरीर की मिश्रित ग्रंथि क्योंकि वो एंजाइम भी छोड़ती है। ये इतने एंजाइम हो गए जो हमने तीर के ऊपर दिखा रखे, और हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन छोड़ती है। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशी रस में, ये अग्नाशी रस ग्रहणी में आ जाता है, तो अग्नाशी रस में उपस्थित विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा निम्न प्रकार पाचन किया जाता है। तो हम अग्नाशी रस द्वारा पाचन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है ना, ये ग्रहणी के अंदर ही आपको लिखना है। यानी तीनों प्रकार के पाचक रसों से क्या किया जाएगा, भोजन का पाचन। ये पूरा का पूरा जो एक पॉइंट है ये छोटी आंत में पाचन का ही है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पूछ सकते हैं। और आपके तो वैसे किताब के अंदर अगर हम देखें तो सारणी के हिसाब से बताया हुआ है, लेकिन मैंने इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर दिया, सेपरेटली इसको अलग से डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्च जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अग्नाशय में अग्नाशी रस में एमाइलेज के द्वारा इसको किस में चेंज कर दिया जाता है, माल्टोज के अंदर। स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो कि अग्नाशी रस में ये छह एंजाइम जो है जो तीर के ऊपर दिखाई गई है ये क्या है, अग्नाशी रस में एंजाइम होते हैं। तो स्टार्च को एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन का ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रोटीन को ही काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किसमें चेंज कर देंगे, पेप्टाइड में, और प्रोटीन और पेप्टाइड को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसमें परिवर्तित कर देता है, अमीनो अम्ल के अंदर। एक बार फिर, प्रोटीन और पेप्टाइड को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है बच्चों। अब आ गई वसा। वसा को आपको मैंने बता रखा है कि एक ही एंजाइम है, वसा लाइपेज एंजाइम। वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है, और न्यूक्लियेजेज क्या है, न्यूक्लियेजेज नामक एंजाइम क्या करेगा। न्यूक्लियेजेज बच्चों डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और ये एक रासायनिक पदार्थ है, और आरएनए जो वायरस का शरीर होता है वो आरएनए पर डिपेंड करता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इन पोषक तत्वों को न्यूक्लियेजेज किसमें चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में। तो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियेजेज न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देता है। तो एमाइलेज ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज लाइपेज न्यूक्लियेजेज ये अग्नाशी रस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और इनके द्वारा ये अभी टोटली पाचन नहीं हुआ। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल पाचक एंजाइम किसके अंदर मिलते हैं, आंत्रीय रस में, और ये आंत्रीय रस में जो एंजाइम है वो अग्नाशी रस में उपस्थित अग्नाशी रस के साथ मिलकर के टोटली पाचन करेंगे। अभी ये आंशिक पाचन ही हुआ है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं बच्चों आंत्रीय रस द्वारा पाचन। आंत्रीय रस में विभिन्न प्रकार के प्रबल यानी स्ट्रोंग मजबूत पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो अग्नाशी रस के साथ मिलकर पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सात याद करने हैं बच्चों आपको। जैसे मैं आपको नाम बता दूं, माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ, तो ये तीन फॉर्म में चेंज हो गए, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। ओके, तो ये तीन तो हो गए कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन कौन से जो कि आंत्रीय रस के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट पाचक में हम देख रहे हैं माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया एंजाइम के आगे या तो एज लगेगा और या फिर इन लगेगा अंत के अंदर यानी अनुलग्न के रूप में। तो माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट का टोटली पाचन हो गया तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। और सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम, ये भी सरल कार्बोहाइड्रेट है लेकिन पूर्णतः सरल नहीं है, सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम भी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित। यानी जब कार्बोहाइड्रेट का टोटली पाचन होता है तो वो किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में, और ये कौन सा पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन, और ये तीनों कौन से एंजाइम हो गए, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम हो गए जो कि अग्नाशी सॉरी आंत्रीय रस के अंदर है। तो आंत्रीय रस में प्रबल पाचक एंजाइम होते हैं जो अग्नाशी रस के साथ मिलकर भोजन का टोटली क्या कर देता है, पाचन कर देता है। अब वसा के लिए आपको मैंने बताई रखा है बच्चों एक ही है कौन सा, लाइपेज। यहाँ पे इस आंत्रीय रस में ये लाइपेज एंजाइम है वो पितरस में जो लाइपेज एंजाइम है उसके मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक है यानी ज्यादा प्रबल है बच्चों। तो वसा को लाइपेज नामक एंजाइम पूर्णतः पाचित करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, यानी वसा का यहाँ पे टोटली पाचन हो गया। और पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियेजेज नामक एंजाइम, ये थोड़े ज्यादा याद करने हैं आपको, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियेजेज न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियेजेज नामक एंजाइम जो तीर के द्वारा के ऊपर हम दिखा रहे हैं वो एंजाइम है बच्चों, यानी जे उत्प्रेरक के रूप में, और उत्प्रेरक अभिक्रिया की विशेष परिस्थितियों के अंदर आता है, और विशेष परिस्थितियों जैसे ताप दाब उत्प्रेरक उसको तीर के ऊपर या नीचे प्रदर्शित किया जाता है। ये हमने आपको छठे पाठ के अंदर बखूबी बताया था। तो न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियेजेज नामक एंजाइम न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में परिवर्तित कर देता है, और डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज नामक एंजाइम अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, और न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेटेज नामक एंजाइम
नाइट्रोजनी क्षार वे राइबोज में चेंज कर देता है। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है और न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेटेज नामक एंजाइम नाइट्रोजनी क्षार वे राइबोज में परिवर्तित कर देता है। तो इधर वाले ये जो प्रोडक्ट बनी है ये भोजन का टोटली पाचन होने के फलस्वरूप बने है। तीर के ऊपर जिनको दिखाया गया वो एंजाइम है और एंजाइम जे उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये जो मैंने अभिक्रिया यहाँ पे ऐसे आपको बताई है, जैसे यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कौन सी है? ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी जीवों के अंदर भी अभिक्रियाएं जो रासायनों के द्वारा संपन्न होती है वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक एक चीज लाइन टू लाइन आपको यहां से बता दी। ठीक है बच्चों, तो आपको सारणी से याद करने की बजाय आप इनको इस टाइप से, मैंने बिल्कुल नोट्स वाइज आपको ये पैटर्न समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना लास्ट टॉपिक है बच्चों। आपको मैंने पहले ही बता दिया था भी यकृत और अग्नाशय को क्या कहा जाता है? मानव पाचन तंत्र के सहायक अंग कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा अंतर ग्रहण किया हुआ भोजन इनमें जाता नहीं है बल्कि इनके द्वारा स्त्रावित रस पाचक रसों से भोजन के पाचन में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो यकृत और अग्नाशय को मानव पाचन तंत्र के सहायक अंग, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और अग्नाशय शरीर की मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का कार्य करती है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो देखिए, अब ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र छुद्रांतर व छुद्रांतर द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी ग्रहणी में टोटली पाचन हो गया, जूस निकल गया बच्चों, जो हमने खाना खाया था उसका, और पाचित भोजन रस बोलेंगे। जब भोजन पाचित होकर के रस की फॉर्म में आ जाता है तो उसको पाचित भोजन रस बोलते हैं। तो ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ किसके द्वारा? अगर छुद्रांतर और छुद्रांतर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपको हमने बताया था जो मेन अवशोषण का कार्य है वो अगर छुद्रांतर के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का अवशोषण किसके द्वारा होता है? अगर छुद्रांतर के द्वारा। और पित्तलवण और विटामिन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छुद्रांतर के द्वारा। ठीक है, और सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है? ग्रहणी, छोटी आंत के सबसे पहले और सबसे छोटे भाग में। एक एक चीज आपको बच्चों मेरी बताई हुई है, अभी आप देखेंगे। तो छुद्रांतर की आंतरिक भित्ति में अंगुलीनुमा पर्वर्ध पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। किसके समान? अंगुलीनुमा पर्वर्ध यानी उभार पाए जाते हैं, और उन पर्वर्ध या उभारों को क्या कहा जाता है? दीर्घरोम या रंसाकुर। छुद्रांतर की आंतरिक भित्ति में अंगुलीनुमा पर्वर्ध यानी उभार पाए जाते हैं जिनको दीर्घरोम या रंसाकुर कहा जाता है, और दीर्घरोम या रंसाकुर में रुधिर वाहिनियों का विस्तीर्ण जाल फैला होता है, यानी केशिकाएं, बाल के समान रुधिर वाहिनियां, केशिकाओं का जाल। यानी कहने का मतलब बच्चों, रुधिर वाहिनियां शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें रुधिर बहता है, एक तो धमनी होगी और एक सिरा। इसके अलावा तीसरा टाइप कौन सा हो गया? वैसे मुख्य दो ही होते हैं, लेकिन केशिका की हम बात करें, कैपिसिलरी यानी केस, बाल के समान। किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर रुधिर वाहिनियां और पतली संरचनाओं में बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिसिलरी यानी केशिका। तो भाई बच्चों, इनके द्वारा अवशोषित भोजन रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। यानी ये भी आप समझ सकते हो कि ये दीर्घरोम या रसाकुर पचे हुए भोजन के लिए स्तह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ये पचे हुए भोजन के लिए स्तह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और इनके द्वारा स्त्रावित, इनके द्वारा अवशोषित भोजन रुधिर के माध्यम से, यानी ये जो पाचित भोजन रस है वो खून के अंदर छोड़ दिया जाता है और वो रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। और शेष जो अपचित यानी जिसका पाचन नहीं हुआ या जिसका अवशोषण नहीं हुआ, अपचित जिसका पाचन नहीं हुआ, अनावशोषित जिसका अवशोषण नहीं हो पाया, वो पदार्थ क्षुद्रांतर से किसमें भेज दिए जाते हैं? बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत के बारे में भी आपको हमने डिटेल से बताया था। बड़ी आंत में पाचन देखिए,
बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और खनिज लवण का क्या करना, अवशोषण करना, और शेष बचे अपचित भोजन का उत्सर्जन करना है। ये बड़ी आंत का मुख्य काम, जो जल और खनिज लवण का अवशोषण क्षुद्रांतर और अग्र क्षुद्रांतर द्वारा नहीं हो पाया था, उसका अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। ठीक है, ये भी तीन भाग थे आपको बताया हुआ है, अधांतर, यांदनाल और वृद्धांत्र और मलाशय। शेष बचे अपचित भोजन का उत्सर्जन करना है। अब जो अपचित भोजन है वो अस्थायी होकर किसमें रहता है? मलाशय, यानी शेष बचे अपचित भोजन क्या कहलाता है? मल, और मल किसमें भंडारित रहता है? मलाशय में। यानी मल को समय समय पर हम क्या कर देते हैं, यानी वेस्ट सब्सटेंस होता है ये, अपशिष्ट पदार्थ और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है ये, तो इसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो जो इसका कार्य मुख्य रूप से कौन सी? तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया, यानी मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर को कमांड दी जाती है कि अब आपको मल का क्या करना है, त्याग करना है। तो ये अस्थायी होता है, क्योंकि समय समय पर जब मलाशय के अंदर दाब बढ़ जाता है तो इसको समय समय पर शरीर से बाहर एग्जिट किया जाता है। ये एक तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया द्वारा, यानी मस्तिष्क के द्वारा शरीर को कमांड दी जाती है कि आपको मल बाहर त्यागना चाहिए। तो वो होती है तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया, उसके द्वारा मल का क्या किया जाता है? बहिक्षेपण किया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, ये सबसे बड़ा तंत्र था। इस तंत्र के अंदर सात अंग और तीन ग्रंथियां, वो हमने आपको डिटेल से बताई। इसके अलावा भोजन का पाचन, इसमें बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आता, कट मार के क्वेश्चन, जैसे बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मुख गुहा के अंदर और छोटी आंत के अंदर भोजन के पाचन को समझाइए, या अमाशय के अंदर और छोटी आंत के अंदर भोजन के पाचन को समझाइए। तो ये आपका एक सबसे बड़ा तंत्र आज क्या हो गया, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।